नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रहमान क्या चंद्रशेखर रावन और मायावती दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में एक साथ आ सकते हैं अब आपके जहन में ये सवाल आएगा मेरी इस बात को बोलने के बाद कि कैसे आ सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ कि दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में समीकरण क्या कहते हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी को दोनों ही पार्टियां सही में हराना चाहती है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा देखिए तो चंद्रशेखर रावण एक उभरता हुआ चेहरा है दलित समाज में लगातार वो अपनी पैठ को मजबूत कर रहे हैं और मायावती अनुभवी लीडर है प्रदेश के तीन बार के मुख्यमंत्री रह चुकी है और इस लिहाज से अगर साथ मिल जाता है उनका तो ये आप समझिए कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए कई बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है लेकिन बीजेपी के अगर पक्ष की बात करें बीजेपी को लेकर के अगर यहाँ पर जो है अपनी बात करें तो इतना लग रहा है कि इस समय जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सियासत में कई मुद्दों को लेकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही है और ये कह रही है कि दलितों का सही उत्थान दलितों के लिए सही फैसला अगर कोई ले सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रदेश की राजनीति में अभी तक अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद पर हुए उस हमले के बाद से कोई भी बीजेपी का लीडर उस तरीके से समर्थन में नहीं आया हालांकि एक बयान ज़रूर दिया गया कि रामराज्य में किसी भी रावण को जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा अब मायावती के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि वो अगर बीजेपी के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं तो उन्हें चंद्रशेखर के साथ आना पड़ेगा और क्या मायावती इस पूरे राजनीतिक समीकरण को समझते हुए चंद्रशेखर आज़ाद को बीएसपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है क्योंकि अगर वो अपनी पार्टी को लेकर राजनीति करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये मायावती के लिए पहले से ही चुनौतीपूर्ण जो है वो बना हुआ है और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बन सकता है तो देखते हैं कि मायावती इस पूरे मामले का नतीजा कैसे निकालते हैं इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ को धन्यवाद